भोपाल में शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा के स्थान पर स्थापित स्वर्गीय अर्जुन सिंह की प्रतिमा को हटाने का विवाद गहरा गया है। आज शहीद आजाद के पोते अमित आजाद तिवारी नानके पेट्रोल पंप के सामने आजाद की प्रतिमा हटाने के खिलाफ धरने पर बैठे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मांग नहीं मानी तो देश भर में धरना करेंगे। करीब 20 दिन पहले शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा के स्थान पर पहले कांग्रेसी नेता स्वर्गीय अर्जुन सिंह की प्रतिमा को रखवाया था, जिसे हटाने के विरोध में शहीद के पौत्र अमित ने राज्यपाल से मिलकर आपत्ति जताई थी। उन्होंने शासन प्रशासन को चेतावनी दी थी कि 1 दिसंबर तक प्रतिमा को हटाए, अन्यथा वे आज अनशन करने पर मजबूर होंगे। अमित आजाद ने सीएम और नगर निगम को पत्र भी लिखा था। भाजपा ने भी स्वर्गीय सिंह की प्रतिमा को हटाने की मांग की थी, लेकिन निगम प्रशासन ने प्रतिमा को नहीं हटवाया। प्रतिमा नहीं हटने पर अब अमित आजाद मैदान में हैं और उनका गुस्सा सातवें आसमान पर है। सरकार इसे भाजपा की साजिश बता रही है। मैं उपवास पर इसलिए बैठा हूं यहां पर क्योंकि शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद जी के सम्मान में मैं यहां पर आज अनशन कर रहा हूं। 20 नवंबर को मैं यहां पर आया था इसी स्थान पर जहां पर चंद्रशेखर आजाद जी की मूर्ति लगी, और मैंने यहां पर ये आकर कहा था कि यदि सरकार सामने लगी हुई प्रतिमा जो कि ननके चौराहे पेट्रोल पंप पर चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा को 2012 में यहाँ से हटा करके यहाँ लगा दिया गया था ट्रैफिक नियमों के चलते, यातायात व्यवस्था के चलते, हमने कभी कुछ नहीं कहा, किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन आज उसी स्थान पर पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी की प्रतिमा को लगा दिया गया है, जो कि हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। और ये अपमान हम ही नहीं, पूरे देश का 132 करोड़ जनता का अपमान है, 7,32,000 क्रांतिकारियों का अपमान है। हम इसी के समर्थन में यहाँ बैठे। हमने 10 दिन का समय भी सरकार को दिया कि आप इसमें कुछ करें, इसको शीघ्र हटाएं। माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को भी हमने पत्र लिखे, कांग्रेस हाईकमान माननीय सोनिया गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी को पत्र लिखे, उनके आवास पर हम दे करके आए, पर उन्होंने हमारे पास कोई भी बात करने का रास्ता नहीं छोड़ा, इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं। चंद्रशेखर आजाद जी के पुत्र को भी अगर धरने में बैठना है तो बीजेपी के कार्यालय के पास बैठा कि इस मूर्ति को अगर वहाँ से हटाया है तो बीजेपी के महापौर बीजेपी की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने हटाया था, भेदभावपूर्ण तरीके से उन्होंने किया था। और यहाँ जो अर्जुन सिंह जी की प्रतिमा है उससे उसका कहीं वो नहीं है, और ये जो नगर निगम है, जो महापौर है, जो MIC वो सब बीजेपी है। आज के उपवास के बाद अमित ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर आजाद की प्रतिमा ठीक जगह पर नहीं लगी तो देश भर में आंदोलन होगा। अमित का कहना है कि वे सीएम कमलनाथ, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को भी पत्र भेज चुके हैं, लेकिन मुलाकात के लिए उन्हें समय नहीं दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और इंडिया फर्स्ट न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी करें। 55 साल में कुछ जो नहीं कर पाए पहले उसका जवाब दो। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 5 मिनट भी अपने पब्लिक रिलेशंस को, अपने PR को छोड़ नहीं सकते।